नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हमारे पास कितने भी पौधे होते हैं, फिर भी जब सीजन आता है कि मौसम बदलता है और हम नर्सरी जाएं और हम पौधे न लाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग अपने गार्डन के लिए, इस सीजन के लिए, समर के लिए कर ली है। तो मैंने क्या क्या प्लांट की शॉपिंग कर रखी है, मैं आज आपको वही सब प्लांट बताऊँगी, उनके नाम बताऊँगी और कुछ केयर टिप्स बताऊँगी उनकी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अब गर्मी गर्मी में हमको हरा कलर बहुत पसंद होता है, तो मैंने जो है कोचिया के प्लांट ले रखे हैं, पांच कोचिया के प्लांट जो है, ये मेरे लिए अक्टूबर तक के प्लांट चल जाते हैं। और धीरे धीरे इनके पॉट जो होते हैं, आप बड़े बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं और पहले छोटे पॉट में भी बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं इनको। तो एक सुंदर सा प्लांट ऊपर से क्लोन करके सेब भी डाल सकते हैं। तो कोचिया के प्लांट जो है हमारे यहाँ 15 रुपये पर प्लांट के हिसाब से नर्सरी में अवेलेबल हो गए हैं। जो मेरी यहाँ के फ्रेंड हैं हल्द्वानी के, वो पूछेंगे भी तो ये गोल्डन नर्सरी में मिलने लग गए हैं। अभी मैंने सभी नर्सरी इन प्लांट को नहीं देखा है, अभी मैं इनको जो है बलेरी रोड में जो नर्सरी है, गोल्डन नर्सरी, वहां से लेके आई हूँ। फिर लाई हूँ मैं जीनिया के प्लांट। दोस्तों, जीनिया के प्लांट जो है गर्मियों के लिए बहुत अच्छा प्लांट होता है, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने में ये परेशान हो जाता है। तो जीनिया के प्लांट को अभी इस समय लगाना अच्छा होता है, इस समय ये ग्रोथ कर लेंगे तो ज़्यादा गर्मी जब पड़ेगी उसको सह लेते हैं, ये प्लांट मैच्योर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो जीनिया के प्लांट भी गर्मियों के लिए बहुत ही जरूरी प्लांट, और एक गार्डन में कलर देने के लिए इस प्लांट को लाना जरूरी है। तरह तरह के कलर इसमें आने लगे नर्सरी में, ये 20 रुपये पर प्लांट के हिसाब से हमारे यहाँ मिलने लग गए हैं। अब दोस्तों, इसमें बिंका के प्लांट लाना भी बहुत अच्छा होता है, बिंका के प्लांट के ग्रोथ का सीजन शुरू हो गया है। मेरे पास तो बिंका के कलर पहले से हैं, तो मैं जो है एक ही वाला कलर मेरा ख़राब हो गया था, तो इस कलर को मैं ले आई हूँ बिंका का। तो ये भी 20 रुपये पर प्लांट के हिसाब से। दोस्तों, ये कॉस्मोस के प्लांट भी नर्सरी में इसे मिल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं सहन करते हैं, पर जो है इस समय आप जो है जहाँ धूप बहुत तेज सुबह की पड़ती हो और बहुत दिन भर की धूप न रहती हो, उस जगह पर लगाएंगे और नीम वगैरह का स्प्रे करेंगे तो अभी चलेंगे कॉस्मोस। तो कॉस्मोस के प्लांट दो तरह के कलर में लेके आई है, 20 रुपये पर प्लांट के हिसाब से। इसके अलावा कुछ प्लांट दोस्तों मैंने जो है पहली बार अपनी मतलब लाइफ में, अभी तक गार्डनिंग के उसमें पहली बार इनको खरीदा है। इसी में सबसे पहला प्लांट जो है बेगम बहार का प्लांट है। गर्मियों में इसके जो है पर्पल कलर के फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं, और ये भी जो है अब मैं इसको लगाऊंगी तो मुझे इसका एक्सपीरियंस होगा। मैं जहां तक सोचती हूं कि इसको मैं मेरे पास जो भी प्लांट मैं लेके आती हूं, कई बार वो मेरे पास सालों साल चलते हैं। तो मैंने तो सीजनल प्लांट को भी सालों साल चला देती हूं, ये तो वैसे परमानेंट प्लांट है, तो इसकी सही तरह से केयर करेंगे तो ये भी चलेगा। और इसके लिए मेरे जो पॉट के इसमें जरूर पड़ रही, इसको भी लेके आई हूँ। ये प्लांट हमारे यहाँ, मुझे इस तरह से याद नहीं है कि इकट्ठे पैसे दिए थे मैंने उनको, तो शायद ये जो है 100 रुपीज का है, थैली में मिला हुआ प्लांट है। दूसरा लाई हूँ दोस्तों मैं ये फर्स्ट लव का प्लांट। ये दो कलर में आता है, रेड कलर भी आता है इसमें, येलो कलर भी आता है। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, तो ये जो प्लांट है ये भी 150 रुपये का प्लांट दिया है उन्होंने। फिर लाई हूँ मैं इंडोर और शेड में लगाने के लिए कैलेथिया की ये वाली वेरायटी, क्योंकि ये वाली वेरायटी मेरे पास नहीं थी, ये शायद 100 रुपीज की है। अब लाई हूँ दोस्तों बहुत खूबसूरत पौधा, ये एंथोरियम कहलाता है। ये भी दो कलर में मिलता है, एक रेड दिख रहा है इसका पत्ता, ये खुल जाएगा कुछ समय के बाद, तो एक रेड कलर आता है और एक पिंक कलर आता है, और इसमें वाइट भी आने लग गए आजकल। तो एंथोरियम के प्लांट जो है दोस्तों, ये बहुत महंगा ही प्लांट मिलता है, आप किसी भी नर्सरी में इसको ट्राई करिए। कोई कोई नर्सरी तो इसका प्लांट जो 600-700 रुपये की बोलती है, मेरे को जो है उसने 400 रुपये का माना है, या 350 के सारे प्लांट के रेट मैंने इकट्ठे पैसे दिए थे। तो ये प्लांट भी मैं लेके आई हूँ, बहुत सुंदर, इसमें काफ़ी मेरे को ब्रांच दिख रही है। देखिए, इसको एक से अलग करके दो बना देते हैं, पर इसकी बहुत अच्छी केयर करनी पड़ती है। अगर हमने इसी केयर में लापरवाही कर दी तो ये महंगा प्लांट हमारा मर जाता है, और इस प्लांट को धूप में नहीं रखा जाता। इस प्लांट को इंडोर यानी कि जहां पर ब्राइट लाइट आती हो वहां पर रखा जाता है, और इसके आसपास बिल्कुल मॉइस्चर बना रहना चाहिए। पानी तो ये प्लांट जो है मैं अभी नर्सरी पॉट से भी नहीं हटाया है, इसकी ट्रे में जो है जिस जगह में रखेंगे, नीचे ट्रे लगाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत पानी रहना चाहिए, जिससे प्लांट अपनी आवश्यकता के अनुसार एब्जॉर्ब कर लेगा। ऊपर से पानी डालने की अपेक्षा इसके नीचे से पानी जो है ट्रे में डालना चाहिए इस प्लांट को, क्योंकि इसे मॉइस्चर का एहसास कराते रहना चाहिए। तो ये प्लांट जो है गर्मियों में बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद दोस्तों, दो प्लांट मैंने लिपस्टिक एग्लोनेमा के लिए हैं। दोस्तों, मेरे पास पहले से प्लांट है इसके लिपस्टिक एग्लोनेमा के, तो ये जो हमारे यहाँ पंतनगर का मेला लगा हुआ था, वहाँ मेरी भतीजी पढ़ती, तो उससे मंगाए थे, 100 रुपीज पर प्लांट के हिसाब से उन्होंने दे दिया, तो मैंने कहा दो प्लांट मंगा लिए इसके। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आता, क्योंकि जैसे इसे ग्रोथ का समय चल रहा है, देखिए इसमें नई नई लीव्स आ रही हैं, तो ये प्लांट को अभी ले सकते हैं और अच्छी ग्रोथ होती है इस समय। तो प्लांट जो घर के अंदर बहुत समय से लगे होते हैं, प्लांट कुछ लगे लगे से भी हो जाते हैं, तो इससे थोड़ा चेंज भी अच्छा लगता है, फ्रेश प्लांट लगाने का मन भी करता है। तो ये मैंने दो प्लांट इसके भी मंगाए हैं। ये देखिए, एक ही गुड़हल की वैरायटी ले रखी, छोटा सा प्लांट है जिसको मैंने रिपोर्ट भी कर दिया है। तो गुड़हल का प्लांट जो है हमारे यहाँ ये वाला 50 रुपये का मिल गया है।
दोस्तों रात की रानी जो है व्हाइट कलर की तो कॉमन होती है, सभी के पास होती है, तो येलो कलर की भी नर्सरी में इस समय ये प्लांट आते हैं। तो येलो कलर वाला मैंने जो है 70 रुपये का इसका भी प्लांट लिया है, जिसको मैंने रिपोर्ट भी कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों इस तरह का मैंने बर्मी कंपोस्ट लिया, तो बर्मी कंपोस्ट जो है हमारे यहाँ ये मुझे 100 रुपीज का बैग मिला है। तो बर्मी कंपोस्ट का ये प्लांट जो ये पॉट थैला लेकर ये थोड़ा बड़ा सभी प्लांट को जरूरत पड़ती है, इस समय बर्मी कंपोस्ट वगैरह अपने प्लांट को जरूर डालनी चाहिए। इसके अलावा मेरे लिए नीम खली ली है, सरसों खली ली है, तो वो सब चीज़ें जो है इस समय खाद वगैरह लेना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग नर्सरी से प्लांट लाते तो याद भी नहीं रहता है कि कौन कौन से प्लांट और लिए हैं, अलग अलग जगह रखे जाते हैं। तो ये दो मैंने बिंका के प्लांट और लिए थे, तो दो बिंका के प्लांट ये नर्सरी वाले ने मुझे 15 रुपये पर प्लांट के हिसाब से दिए थे। ये देखिए ये मैंने ली है मिर्च और बैगन की सैपलिंग ली थी, तो जिनको मैंने एक पॉट में ऐसे ही खाद वाले पॉट में पहले से पड़ा था मेरे पास, मैं लगा दिया था तो अच्छी ग्रोथ भी होने लग गई है। तो ये जो सरकारी नर्सरी से लिए 20 रुपये के उन्होंने काफ़ी पौधे दे दिए थे, तो जो मेरे को अब गर्मी मेरे पॉट खाली हो रहे हैं उनके काम भी आ रहे हैं। तो मेरे को ये उन्होंने शिमला मिर्च बता रखी है और लग भी रही है, देखिए अभी से इनमें बनने भी लग गई हैं बड्स, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। सरकारी नर्सरी में भी हमको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा मैं जो है लौकी की भी सैपलिंग लाई और सीड भी लाई। तो सीड से जो मैंने कई बार क्या होता है दोस्तों, लौकी का प्लांट अगर आपने इस जगह एक लगा दिया है वो कई बार बड़ा होने के बाद भी सूख जाता है, तो मैंने उसके आसपास जो है इस तरीके से लौकी के और प्लांट भी सीड से ग्रो कर दिए हैं। तो ये जो है अच्छी तरीके से ग्रो हो गए हैं, तो ये प्लांट अगर एक प्लांट सूख भी जाएगा तो कुछ प्लांट जो है ये ग्रो होने लग गए हैं, तो इनसे जो है वहाँ पर जगह खाली नहीं रहेगी। लौकी का प्लांट जो है हमारे यहाँ 15 से 20 रुपये की रेंज जा रहा है। इस कद्दू की भी मैं सैपलिंग लाई थी और ये भी छोटी सैपलिंग से तैयार प्लांट है, तो कद्दू का प्लांट भी हमारे यहाँ ये भी 15 से 20 रुपये की रेंज में मिल रहा है। तो दोस्तों आज मैंने आपको अपने गार्डन के लिए छोटी शॉपिंग करी थी वो दिखाई। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नर्सरी में आप प्लांट समर के आने लग गए हैं, तो आप भी अपनी लोकल नर्सरी का विजिट करें, तो इस समय जो है वहाँ पर आपको अच्छे प्लांट मिल जाएंगे।